आप देख रहे हैं दीप सिंह और आज चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लगा। यहां क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को समझें कि इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस, तो दिस इज लाइन पी क्यू एंड दिस इज लाइन आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। अब ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे, पॉइंट टी पे, सच दैट एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री, 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू इज 75 डिग्री, ये एंगल हमारा 75 डिग्री है। फाइंड एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी हमें ये एंगल निकालना है। तो जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एंगल पी आर टी 40 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री, एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री और हमें निकालना क्या है, एस क्यू टी, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो इतना, तो आइए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखें इस फिगर में दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से, एंगल सम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी आर टी में इस एंगल की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो आइए देखते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी आर टी, तो ट्रायंगल पी आर टी में मैं लिख सकता हूं एंगल पी टी आर प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम रीजन क्या लगाएंगे, हम यहां पर रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमने रीजन लिख दिया। ध्यान रहे रीजन लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब आइए एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर तो हमें पता नहीं है, तो हमने लिख दिया एंगल पी टी आर प्लस एंगल पी आर टी, क्या दिया हुआ है 40 डिग्री, प्लस एंगल आर पी टी, क्या दिया हुआ है 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल पी टी आर प्लस 95, 9 प्लस 4 13, यानी कि 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली अगर मैं कहूं कि एंगल पी टी आर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, यानी कि 45 डिग्री। तो हमने क्या निकाला, हमने ये एंगल पता कर लिया कि इस एंगल की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री, कौन सा एंगल के, दिस एंगल। तो आपने ये एंगल पता कर लिया 45 डिग्री, ठीक है। अब 45 डिग्री निकालने के बाद अब हमें निकालना ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए हम क्या करते हैं, इस एंगल्स की वैल्यू को निकालते हैं। और इस एंगल्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब आप देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि PQ इंटरसेक्ट RS एट T, तो ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR, रीजन क्या लगाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें यह भी पता चल गया, तो आइए अब हमारा इसका वैल्यू क्या हो गया, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपने फाइनली ये एंगल भी निकाल लिया और इसका मेजरमेंट क्या निकला आपका 45 डिग्री। तो अब आपको इस ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल, ट्रायंगल टी एस क्यू में देखा जाए तो हम लिख सकते हैं एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम रीजन क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से हमने ये लिख दिया। अब एस टी क्यू की वैल्यू क्या है, एस टी क्यू इज 45 डिग्री प्लस टी एस क्यू इज 75 डिग्री
प्लस एंगल एस क्यू टी हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 75 करोगे तो 70 प्लस 40 110 होते हैं, 5 प्लस 5 10, तो ये क्या क्या आ जाएगा हमारा 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली हम लिख सकते हैं यहां पे कि एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या निकल गया है, एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। आपको कौन सा एंगल पता करना था, आपको एंगल एस क्यू टी पता करना था और एस क्यू टी की वैल्यू क्या निकल के आई, इट इज 60 डिग्री। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया।